वेलकम बैक, मैं हूँ शिगुफ्ता यास्मीन और जिस शो में आपका और हमारा साथ है वो है फिटनेस ग्लो। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हैं। आज हम बात कर रहे हैं डंबल एक्सरसाइजेस के हवाले से। अच्छा, बात तो हमने की डंबल एक्सरसाइजेस के हवाले से, डॉक्टर साहब क्या ख्याल है, थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ चलें ताकि लोगों को पता चले कि डंबल किस तरह का एक्सरसाइज क्या होती है और किस तरह करते हैं। बिल्कुल, किस तरह से की जाती है, वेट किस तरह से कैरी करते हैं, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। डंबल एक्सरसाइज, हमने पहले सेशन में आपको बताया था कि कैटलबेल एक्सरसाइज क्या होती है, उसकी मूवमेंट क्या होती है और वो किन किन पर्पस के लिए यूज होती है। डंबल एक्सरसाइज बिगिनर प्रोग्राम में क्या होता है कि हम डंबल एक्सरसाइज से आपको मल्टीपल एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप अपने टोटल आर्म एक्सरसाइज, आपके लेग एक्सरसाइज, मुख्तलिफ मसल्स की एक्सरसाइज आप बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे हल्का सा वार्म अप ताकि आपकी बॉडी रेडी हो जाए उस एक्सरसाइज करने के लिए या उस मसल्स को या उस वेट को उठाने के लिए। नाउ डीप ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, राइट। नाउ स्ट्रेच अप, बहुत ध्यान, हमेशा कोशिश करें दोनों टांगों पे खड़े हो, राइट पे या लेफ्ट पे करके ना खड़े हो, वो आपकी जो पेल्विस एरिया है या आपका लोअर बैक है वो खराब करता है। कोशिश करें दोनों पांव पे खड़े हो, स्ट्रेच अप, तीन लंबे सांस, दस तक गिनेंगे, टेन लंबा सांस, डाउन, टेन लंबा सांस, राइट साइड पूरा स्ट्रेच। अच्छा, कोशिश करेगा नीचे नहीं देखना, एंगल आपका स्ट्रेट है, टेन लंबा सांस, चेंज, इनहेल एक्सहेल, टेन लंबा सांस। आर्म एक्सरसाइज है तो सबसे पहले स्ट्रेच करेंगे आर्म की, पूरा स्ट्रेट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, चेंज चेंज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, चेंज, स्ट्रेच अप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इनवर्ड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अच्छा, ये वो स्ट्रेचिंग है जब आप कोई भी हैवी वेट उठाते हैं तो रिस्ट जॉइंट पे समटाइम पेन आता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग स्ट्रेचिंग करवाते हैं ताकि ये चीज रेडी हो जाए। दूसरी स्ट्रेच, फ्रंट स्ट्रेच, आराम से आपको बिल्कुल नेक को लूज रखना है, हाथ हल्का सा यहां रखना है एंड प्रेशर एल्बो से देना है, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, चेंज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, चेंज, स्ट्रेच अंदर की तरफ, पूरा पूरा रोटेट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स, एक लंबा सांस, अब उठाएंगे आप डंबल। बाइसेप ट्राइसेप फोर आर्म एक्सरसाइजेस, बहुत आसान तरीका, ये देखिए, वन अप, टू अप, थ्री डाउन, ऊपर जाते हुए सीधा रखना है, नीचे आते हुए मोड़ना है, वेरी स्लोली, नेक के मसल्स पे किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना, बॉडी को लूज रखना है, बिगनर है तो हल्के से स्लाइटली बेंड कर लें, कमर सीधी रखिए, अगेन देख लीजिए, वन डाउन, टू डाउन, थ्री डाउन, फोर, स्लोली बिल्कुल आराम से, जब भी कभी भी एक्सरसाइज ज्यादा हैवी वेट से कर रहे हो तो नेक को सीधा रखिएगा, लूज रखिएगा, लेफ्ट राइट मत देखिएगा, इनहेल एक्सहेल, यस, सांस अंदर लें छोड़ें, वेरी स्लोली, आपकी रिस्ट जॉइंट, फोर आर्म्स, ट्राइसेप, बाइसेप, सब मूवमेंट आ रही है इसमें, वेरी स्लोली, सेवन
एट नाइन स्लोली एंड टेन इजी। तो सर रिलैक्स करें आते हो, कभी भी कोई रेपिटेशन करें वेट के साथ तो उसके बाद हर रेपिटेशन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें ताकि जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है या मसल जो खिंचा है वो रिलैक्स हो, वरना इंजरी चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज, इसे आपने स्लो करना है, ये आपका शोल्डर और आपका चेस्ट। वन इजी, टू इजी, बॉडी से दूर करीब नहीं करना, स्ट्रेट। वन टू थ्री सीधा, फोर सीधा, फाइव इनहेल एक्सहेल, सांस लें निकालें, वेरी इजी। अप डाउन, अप डाउन, रिलैक्स करें थोड़ा सा, शेक करें हाथों को ताकि जो आपका स्ट्रेस आए वो रिलैक्स हो। लंबा सांस। अब करेंगे थोड़ी सी चेस्ट एक्सरसाइज डंबल के साथ। राइट लेग आपको बाहर रखना है, हल्का सा बैंड रखना है, सामने डंबल को स्ट्रेट रखना है। अच्छा, हाथ सीधा नहीं करना, स्लाइटली बैंड। रेडी, वन चेस्ट अप एंड डाउन स्लोली, टू अप एंड डाउन, थ्री अप इनहेल एक्सहेल, इनहेल स्लोली। ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये आपका जो बैलेंस जा रहा है आपकी बॉडी का उसके साथ ही रखना है। फोर डाउन, फाइव स्लोली इनहेल एक्सहेल, सिक्स रिलैक्स। डंबल रखिए, शेक करें दोनों हाथों को और थोड़ा सा चेस्ट स्ट्रेच करें। ये चीज, ये स्ट्रेच करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल। अब हम करेंगे थोड़ी सी टांगों की एक्सरसाइज। ये देखिए, डंबल के साथ सीधे खड़े होना है। मैं आपको ये वाला व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, सीधे खड़े हुए, कमर सीधी, सामने देखना है, नेक को लूज छोड़ना है। वन अप, टू एंड अप, थ्री इनहेल एक्सहेल, फोर फाइव सिक्स सेवन एट स्लोली नाइन टेन। अच्छा, मैं ये करते हुए आगे नहीं झुक रहा, कमर मैंने सीधी रखी हुई है। स्लोली, ये देखिए, ये चीज ऊपर आना है, पेट अंदर खींच के रखना है। वन एंड अप, ये हो गए आपके स्क्वाट्स, आपके लेग्स वर्कआउट। इसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, मसल को रिलैक्स करेंगे, फिर अगेन उठाएंगे। अब करेंगे आप काफ एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज। इसको पकड़ना है, डंबल को स्ट्रेट एंड गो अप पंजों पे। वन टू थ्री, और ये काफ ऐसी चीज है जो आपके लिए, आपको चलने में बहुत अहमियत देती है। फोर एंड फाइव, काफ के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स करेंगे अपने आप को। तीन लंबे सांस, सांस का अमल आपको अच्छा रखना है। इनहेल, ये एक्सरसाइज आपको दिन में अगर एक दफा भी करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग आएंगे जो आपको आगे एक्सरसाइज करने में हेल्प आउट करेगा। कोशिश करें लिमिटेड एक्सरसाइज करें, लेकिन अंडर सुपरविजन प्रॉपर ट्रेनर, या फिर आप किसी से कंसल्ट करें अच्छे ट्रेनर से, ताकि आप इंजरी से बचे रहे और अपने आप को सेफ रख सकें। आपने देखा वर्कआउट, डंबल वर्कआउट किस तरह से किया जाता है। बहुत आसानी के साथ आप वेट के साथ प्ले कर सकते हैं, बस आप कहते हैं ना कि आपके एंगल्स जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। डॉक्टर साहब से मजीद बात करते हैं एंगल्स के हवाले से, लेकिन थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे।